आज्ञा का अपमान नहीं सहेगा, नहीं होता। आज्ञा का अपमान नहीं सहेगा, नहीं होता। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, पीडीपी हाय हाय, पीडीपी हाय हाय, बीजेपी पीडीपी हाय हाय। दंगे का अपमान नहीं सहेगा, नहीं होता। दंगे का अपमान नहीं सहेगा, हाय हाय। निर्मल सिंह हाय हाय, निर्मल सिंह हाय हाय, निर्मल सिंह हाय हाय। महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय हाय, पीडीपी हाय हाय, पीडीपी हाय हाय। आज हमने जो डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे बोफोर्ट में रखा, इसका मकसद बड़ा साफ सुथरा है। वो ताकतें जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं, मेरा मानना बीजेपी और पीडीपी से है, और जिस तरीके से रियासत की मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि अगर हिंदुस्तान ने किसी किस्म का कश्मीर के आइन के साथ कोई दखलंदाजी की तो कश्मीर में तिरंगे झंडे की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बड़ी शर्म की बात है ऐसी पार्टी बीजेपी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं, वो महबूबा मुफ्ती की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या देश के लोगों ने जो कुर्बानियां दी इस तिरंगे का अपमान सहन करने के लिए कुर्बानियां दी? कांग्रेस के लोग, इस देश के लोग कभी भी तिरंगे झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गरीबों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर जुल्म पे जुल्म हो रहा है, आप देख लीजिए हर क्षेत्र में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, राशन की समस्या, क्या ये सारी बातें होने के बाद महबूबा मुफ्ती ये कहे कि मैं तिरंगे झंडे को यहाँ पर लहराने भी नहीं दूंगी? ऐसा हरगज नहीं हो सकता। हम सब आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए चिंतित हैं कि इस रियासत की सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है, और क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस बयान को बर्दाश्त करेंगे? हम कहते हैं हरगिज नहीं। हमारी प्रार्थना है केंद्र सरकार से, सरकार जाती है तो जाने दो, कश्मीर जल रहा है, लिहाजा इस महबूबा मुफ्ती की सरकार को फौरी तौर पे भंग करके यहाँ राष्ट्रपति राज लागू किया जाए।